नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनकी नजर में ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई। हर वर्ग को बराबरी का दर्जा और बुनियादी सुविधाएं देना वो अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। फिर क्यों समाज का एक खास वर्ग उनसे इतनी नफरत करता है? क्यों भारत का मुसलमान बीजेपी को वोट देने से कतराता है? वैसे तो 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद अब तक 10 सालों में देश में काफी कुछ बदला है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मोदी और बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटर्स का नजरिया आज भी वही पुराना है। वो हमेशा से बीजेपी को मुसलमान विरोधी पार्टी मानते आए हैं और इसी वजह से वोट देने से भी बचते हैं। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक साल 2014 और साल 2019 में सिर्फ 8% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया था। इतना ही नहीं, 2019 के बाद से अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें भी मुस्लिम वोटर्स ने यही पैटर्न फॉलो किया है। बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी पार्टी के साथ चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाकर 77% मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिए थे। साल 2021 में वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम वोटर्स ने TMC को वोट दिए थे। और इसी तरह साल 2022 में UP विधानसभा चुनाव में भी 79% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया ताकि किसी भी सूरत में बीजेपी ना जीते। इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। इसी बात को देखते हुए अब बीजेपी आने वाले आम चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न तोड़ना चाहती है। लिहाजा देश भर में 400 सीटों के अलावा इस बार बीजेपी कम से कम 16-18% मुस्लिम वोट शेयर हासिल करने का टारगेट लेकर चल रही है। RSS के दिग्गज नेता इंद्रेश कुमार का दावा है कि इस बार बीजेपी को पहले के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम वोट मिलेंगे। अब कुछ और आंकड़ों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि 2014 से 2019 के चुनाव में बीजेपी को किस वर्ग ने कितने वोट दिए। अगर आप बीजेपी को वोट देने वाले हिंदू वोटर्स की बात करिए तो 2014 में 36% और 2019 में 44% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। उधर बीजेपी के मुस्लिम वोटर्स की बात करिए तो 2014 में 8% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, साथ ही 2019 में भी 8% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को ईसाई वोट कितने मिलते हैं तो आप देखिए, 2014 में 7% और 2019 में 11% ईसाई वोट मिले। बीजेपी को सिख वोट की अगर आप बात करिए तो 2014 में 16% और 2019 में 11% वोट मिले। अब जो ताज़ा सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक जो लोग चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी वापस लौटे उनमें 54% हिंदू हैं, 15% मुसलमान, 17% ईसाई और 29% हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी वापस लौटे। देश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि मुस्लिमों को ये लगने लगा है खुद को सेकुलर कहने वाली दूसरी पार्टियां भी उनके लिए कुछ खास नहीं कर रही हैं। पिछले हफ्ते की दो घटनाएं भी इस तरफ इशारा कर रही हैं। पहली, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ होने का सिर्फ दिखावा करती है, जबकि पार्टी में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर अजीत पवार की NCP ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, बीते दिनों ही पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नारों में तो मुसलमान है लेकिन पार्टी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाती। सलीम ने अखिलेश यादव को एक पत्र लिखते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में कोई फर्क नहीं रह गया है। दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक प्रोफेसर के मुताबिक देश के मुसलमान विपक्षी पार्टियों से भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, जबकि CSDS के ही एक और मुस्लिम प्रोफेसर का दावा उसके उलट है। वो कहते हैं सिर्फ बीजेपी ही मुसलमानों के आउटरीच की बात कर रही है, दूसरी पार्टियों में अगर TMC और दक्षिण में कांग्रेस को छोड़ दें तो कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। इन दोनों पार्टियों के अलावा बाकी विपक्षी दलों का एजेंडा है कि उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप भी न लगे और मुसलमानों का वोट भी उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी से दूरी बनाने वाले मुसलमान तो उन्हें ही वोट देंगे और इसी वजह से उनका कोर वोट बैंक खिसकता जा रहा है। बात करें पसमानदा मुसलमानों की तो उनसे जुड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी भी क्षेत्रीय पार्टियों पर भड़ास निकालते नजर आए। उनके मुताबिक यूपी में बसपा और सपा ने हमें सपने दिखाए,
वोट लिया लेकिन चुनाव के बाद हमें भूल गए, जबकि मोदी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का जाति धर्म देखे बिना सबको लाभ दिया है। वो मानते हैं कि बीजेपी ने काम तो किया है लेकिन फिर भी मुस्लिम वर्ग मुश्किल से ही उनको वोट देगा। तो फिर बताइए, ये गद्दारी नहीं तो क्या है? तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये मुसलमानों के पार्ट पर भी गलत है। इन सबको देखते हुए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि बीजेपी डबल स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है। एक तरफ तो पसमांदा और मुस्लिम औरतों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम विरोधी विचारों को पनपने दे रही है, जो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ रही है। फिर चाहे असम का मामला देख लें या फिर हल्द्वानी हिंसा का। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा है कि 543 सीटों में से पार्टी का फोकस उन 64 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यहां फिलहाल बीजेपी की करीब 24 सीटें हैं। सीएसडीएस के प्रोफेसर के मुताबिक बीजेपी ने पहले भी चुनावों में मुस्लिम सपोर्ट पाने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त फायदा नहीं मिला था। लेकिन इस बार पार्टी ने बड़े स्तर पर नेशनल कैंपेन चलाया है। अगर विपक्षी दल इसी तरह लड़ते रहे तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। वहीं एक तर्क ये भी है कि जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, मुसलमान को टिकट नहीं देती, तो आखिर ऐसी पार्टी को मुसलमान अपना वोट क्यों देगा? वो भी तब जब उनके पास कुछ और खुले विकल्प मौजूद हैं, जैसे यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इकलौता ऑप्शन, दिल्ली में आप कांग्रेस का गठबंधन। इन सबको देखते हुए मुस्लिम वोटर्स के बीजेपी के साथ जाने की कोई खास वजह दिख नहीं रही है। फिर भी अगर मुसलमानों का मन बदलता है तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान वोट शेयर बढ़कर 8 से 10 या 12% हो सकता है, लेकिन 16 से 18% के दावे करना अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ न होगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।